ओके करो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बना रहे एक पहाड़ी डिश जिसको हम पहाड़ी लैंग्वेज में चिल्टा बोलते हैं। तो देखिएगा आपकी किस तरह मैं इसको बनाऊंगा। और सबसे पहले मैंने तवे को अच्छी तरह धोया है और उसके बाद इसमें कुछ ऑयल लगा दिया थोड़ा सा, ताकि आटा इसमें चिपके ना। तो आप इसको देखते रहेगा अपने। सबसे पहले दो कड़छी आटे की डालूंगा मैं सबसे पहले, और इसको राउंड करूँगा इससे ताकि इसकी प्रॉपर गोलाई आए। आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं, बिल्कुल तवे के बराबर भी, पर मैं उतना बड़ा नहीं बनाऊंगा अभी। इस तरह आप इसको गैस की आंच पूरी करिएगा चूल्हे की। अब आप देख सकते हैं कि ये साइड से पक गया है और अंदर से बिल्कुल कच्चा है। तो इसमें अभी अब मैंने इसको पलट दिया है, बहुत ही पतला और बहुत ही अच्छा बना है चिल्टा। इसकी आंच को मैं थोड़ा और कम करूंगा। अब आप इसको अपने हिसाब से फिर चेंज भी कर सकते हैं ताकि कच्चा नहीं रहे। हम इस तरह की डिश हमेशा बनाते रहते हैं और आप लोगों के सामने शेयर करते रहते हैं। अभी बिल्कुल चपाती की तरह हो गया है। और ये तैयार हो गया। तो अब मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मैं सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लूंगा। ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आटा इसमें मेरा जुड़े ना, चिपके नहीं इसमें। अब आपको थोड़ी तो चूल्हे की आंच अपने बढ़ानी होगी ताकि थोड़ा जल्दी गर्म हो जाए, और आपको बार बार इसे हिलाना पड़ेगा क्योंकि फिर ना हिलाने से इसमें पानी अलग और आटा अलग रह जाता है। तो फिर मैं दोबारा इसमें दे देता हूँ और इसको पहले राइट साइड में और फिर आप इस आपको इस आटे को बिल्कुल बराबर फैलाना पड़ेगा ताकि कहीं से मोटा पतला ना बने, और आप चूल्हे की आंच को फिर बढ़ा सकते हैं। और अभी बीच से कच्चा है और साइड से ही पक गया है क्योंकि बीच में आटा इसमें काफी ज्यादा है। आप इसको चारों टाइप से चला सकते हैं, इसको चारों साइड से अगर आपका जुड़ रहा है, और इसको आप एकदम उठाएंगे और बिल्कुल चेंज कर देंगे इस तरह। अगर आप इसको आराम से उठाएंगे तो ये टूट जाएगा। और फिर इसकी आंच को और ज्यादा तेज करेंगे ताकि जल्दी पकेगी। मैंने इसको बदल दिया एक बार फिर ताकि कच्चा ना रहेगी, और बार बार बदलने से ये टूटेगा भी नहीं आपका और पक भी जाएगा प्रॉपर। जैसा कि आप देख रहे हो बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा देखने को हो गया है। इट्स सो नाइस। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।